देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। बाराबंकी क्षेत्र के कंचनापुर के कई दर्जन लोग आज भी घाघरा नदी की कटना से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। गांव के साथ साथ रहने की कस्में खाने वाले ग्रामीणों को नदी की धारा ने खाना बदोश जीवन जीने पर मजबूर कर दिया है। एक साल पहले हर साल चलने वाली घाघरा नदी की विनाश लीला में पूरा कंचनापुर गांव नदी की आगोश में समा गया था। ग्रामीण अब अस्त व्यस्त तरीके से अपना जीवन सड़क के किनारे किसी तरह काट रहे हैं। कंचनापुर के रहने वाले बताते हैं कि करीब एक साल पहले उनका 3-4 कमरे वाला उनका घर उनकी आंखों के सामने कट गया। किसी तरह बचे खुचे घर से सामान से कंचनापुर सड़क के पटरियों पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे हैं। अली हसन कहते हैं कि घर के कटने के बाद झोपड़ी में रहते हैं, परिवार व गांव के सभी लोग बिछड़ गए। कटान से घर बार तो चला गया, बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा। अली अहमद कहते हैं कि घर कटने से सड़क के किनारे अपनी मड़ैया डाल रखी है। साल खाली मिला है गल्ला और कुछ नहीं मिला, जो है गल्ला मिला और कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं मिला। पिछले साल न कोई सुनवाई न है, न जमीन न जत्था, मेरे तो पहुंचे बैठे बनाए लेते तो वह भला बैठे तो है बच्चा लेके ढंग से। पिछले साल घर बाप का कट गया था, हाँ, जमीन वगैरह नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। मिला होता है तो ऐसा कहे ना, दिखा रहे बैठ रहे ना। मॉल एक उपाय है, मॉल एक उपाय है तो हम सब कोई के मोहताज ना बनते ना आजकल। जब अल्लाह लिखे हुए लड़का आसान हो तो सही दिया टाइम घूमे, अब तो हम सब नदी पर किनारे बैठे देखा था, न कोई इमदाद, न दाना, न पानी, कुछ हो कोई इमदाद। हमारे गरीबों के सुनो ही नहीं है, गरीबन के सुनो ही नहीं आवे हैं तो हम पूछे लौट जाए बाराबंकी से संवाददाता आशीष वर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।